डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट और विभिन्न उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई वैकेंसी हैं जो कि उत्तराखंड सरकार ने निकाली हैं। ये इसका पूरा विवरण इस प्रकार है। नौकरी का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर सहायक और विभिन्न पद। आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है इसमें 26 अप्रैल 2020 है और तिथि का जो वैकेंसी निकाली थी वो थी 9 मार्च 2020 है। 9 मार्च 2020 को ये वैकेंसी का मतलब निकालने की घोषणा की गई थी। जो टोटल पद हैं वो 746 पद हैं और ये इंस्टीट्यूशन है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC। स्थान है देहरादून, उत्तराखंड के अंदर आता है। योग्यता रखी गई है 12वीं पास और भूतपूर्व सैनिक, यानी ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत अच्छा जॉब है। जो कैंडिडेट आर्मी से पेंशन जा चुके हैं यानी सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्षेत्र है खोज और राज्य सरकार। अनुभव है 9 से 12। ये 12वीं पास के लिए, मगर सबसे अच्छा मौका है ये एक्स सर्विसमैन के लिए। और नौकरी है, स्थायी नौकरी है राज्य सरकार की। अभी इसका शीर्षक टोटल ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर सहायक और अन्य पद। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर सहायक और विभिन्न उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा UKSSC द्वारा है। रिक्तियों संख्या है 746, देहरादून के अंदर हैं। दिनांक यानी 26 अप्रैल 2020 से पहले आपको ये अप्लाई करना है इसके लिए। योग्यता 12वीं पास और भूतपूर्व सैनिक। वेतनमान ये जो स्टेट उत्तराखंड द्वारा निर्धारित पेमेंट है, जो एप्लीकेट पेमेंट है वो आपको दिया जाएगा। इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। पेमेंट भी अच्छा है और नौकरी भी अच्छी है। इसके साथ साथ में जो लोग आर्मी से रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं वो इस सर्विस के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जूनियर सहायक के लिए और इसके काफ़ी पद हैं उनके लिए अप्लाई कर सकता है। इसलिए आप 26 अप्रैल 2020 से पहले या जो बाद में आने वाले हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसका जो फॉर्म भरने का अंतिम डेट है वो है 26 अप्रैल 2020। मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए यदि योग्य हैं तो अप्लाई करेंगे और इसका फॉर्म भरने से पूर्व इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप पूरा विवरण पढ़ लें और इसके लिए अप्लाई करें। यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें तथा इसका जो नोटिफिकेशन बेल है यानी घंटे वाला निशान उसको जरूर दबा दें, आगे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।